राजस्थान में शराब और मीट की दुकानों को हटाने को लेकर सुर्खियों में आए हवा महल विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस से विधायक रफीक खान ने। दरअसल जयपुर के संजय बाजार में लगने वाले मार्केट को सरकार ने हटाने के आदेश का ऐलान कर दिया है, जिससे यहाँ व्यापार करने वाले फुटकर व्यवसायियों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में आदर्श नगर से विधायक रफीक खान ने सरकार के इस आदेश का विरोध किया और वहाँ के स्थानीय कामगारों के साथ विरोध भी जताया। रफीक खान और बालमुकुंदाचार्य आमने सामने। रफीक खान ने लगाए विधायक पर गंभीर आरोप, कहा ये विधायक शराब की दुकानों से लेते हैं बंदी। बालमुकुंदाचार्य ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया निराधार। रफीक खान ने यही नहीं हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बालमुकुंदाचार्य शराब की दुकानों से बंदी ले रहे हैं और अब इन व्यापारी से चोट वसूली करने की तैयारी भी कर रहे हैं। वहीं अपने ऊपर लगे आरोप पर बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि ये आरोप निराधार है। बालमुकुंदाचार्य ने कहा संजय बाजार की दुकानों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वे रफीक खान के विधानसभा क्षेत्र में है और मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में शराब की दुकानें रात 8 बजे के बाद खुलेगी तो कार्रवाई होगी। मांस की दुकानें अवैध रूप से न खुले, यह पहले निगम अधिकारी से कह चुका हूं। दरअसल हटवाड़े में दुकान लगाने वाले लोगों ने विधायक रफीक खान को पीड़ा बताई। लोगों ने कहा कि पिछले 3 रविवार से नगर निगम परेशान कर रहा है, दुकान लगाने नहीं देते। हम पिछले कई सालों से इस हटवाड़े में सामान बेच रहे हैं, रविवार को बाजार बंद रहता है, आवाजाही में कोई परेशानी दिक्कत नहीं होती, इसके बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस पर रफीक खान ने कहा कि कई सालों से हटवाड़ा लग रहा है लेकिन भाजपा सरकार इसको बंद करना चाहती है, गरीब लोगों को यहाँ परेशान किया जा रहा है, कई परिवार ऐसे हैं जो यहाँ आकर रोजी रोटी कमाते हैं।